नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने हमारी पिछली वीडियो में जाना था कि श्राद्ध क्यों किया जाता है, श्राद्ध कब कर सकते हैं और श्राद्ध कौन कर सकता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि श्राद्ध कैसे किया जाता है, यानी श्राद्ध करने का सही तरीका क्या है या श्राद्ध करने का शास्त्रोक्त तरीका क्या है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना चाहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो श्राद्ध करने के दो मुख्य तरीके हैं या दो मुख्य विधियां हैं। इन दोनों विधियों में से कोई सी भी विधि आप चूज कर सकते हैं। पहली विधि तो है पिंडदान और दूसरा है ब्राह्मणों को भोजन करवाना। तो जैसा कि आपको पता है कि पिंडदान एक जटिल विधि है, एक बड़ी विधि है। इसमें ज़्यादा समय भी खर्च होता है और ज़्यादा धन भी खर्च होता है, और आजकल के लोगों के पास समय कम है, इसलिए वो दूसरे विकल्प को ही चुनते हैं, मतलब ब्राह्मणों को भोजन करवाने का ही विकल्प चुनते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ब्राह्मण को बुला लीजिए, खाना खिला दीजिए और हो गया आपका काम, ऐसा नहीं है। इसका भी एक तरीका है, तो वही तरीका हम जानेंगे कि क्या सही तरीका है जिसके थ्रू आपको अपने पितरों का, यानी आपके जो पूर्वज हैं, उनका सही से आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि जिस दिन भी श्राद्ध पक्ष में उनकी जो तिथि आती है, उनकी जो पुण्य तिथि आती है, उस दिन आप सुबह जल्दी उठेंगे, उठकर नहा धोकर आप अपने जो पूर्वज है, जो भी आपके प्रियजन है, उनकी तस्वीरें, जो स्वर्ग सिधार चुके उनकी बात कर रहा हूँ मैं, उनकी तस्वीर आप अपने घर की दक्षिण दीवार पे लगा दीजिए। अगर आप दीवार पे नहीं लगाना चाहते तो घर की जो दक्षिण दिशा है उसमें कहीं पर भी आप उसे रख दीजिए, अच्छे से सजा के रख दीजिए, मंदिर के टाइप सजा के रख दीजिए। फिर उस तस्वीर को आप गंगा जल से नहला दीजिए। नहला देने का मतलब ये नहीं कि तस्वीर के ऊपर पानी डाल देना, बल्कि आप गीला कपड़ा लीजिए, लेकिन वो गीला कपड़ा करना कहीं से आपको गंगा जल के पानी से, और उसको साफ कर दीजिए। इसके बाद उस पर आप वस्त्र चढ़ा दीजिए। अब वस्त्र कौन से होंगे, आप रुमाल चढ़ा सकते हैं, आप गमछा चढ़ा सकते हैं, अगर कोई स्त्री का फोटो है तो आप उसके ऊपर साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप उसके चंदन का तिलक लगाइए, माला पहनाइए फूलों की, आप धूप लगाइए, बत्ती लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, दीपक जलाइए, और इन सब के बाद घर में जो श्राद्ध के लिए भोजन बना है उस भोजन में से एक थाली परोसिए, आप एक थाली सजाइए, और एक गिलास में पानी लीजिए और पानी में थोड़े से तिल डाल लीजिए। फिर आप ये दोनों चीज़ें लेकर उस फोटो के, इस तस्वीर के पास जाइए और अपने दाएं हाथ में जल लीजिए, वो जल जो गिलास में रखा है और जिसमें आपने तिल डाल रखा, उस तिल का पानी लीजिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, मैं यानी खुद का नाम लीजिए, अपने आप जिसको, जिसके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं उसका नाम लीजिए, को ये भोजन अर्पित कर रहा हूँ, कृपया इस भोजन को आप उन तक मतलब जिनके लिए आप ये काम कर रहे हैं उन तक पहुंचाने की कृपा करिए। इस प्रकार से आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, फिर आप प्रार्थना करेंगे उनके लिए जिसके लिए आप खाना पहुंचा रहे हैं। तो आप फिर से बोलेंगे, हे मेरे स्वर्गीय पिता माता, जो भी आप कहो, हे मेरे स्वर्गीय पिताजी, मैं आपको ये भोजन अर्पित कर रहा हूँ, आप मेरा ये भोजन स्वीकार करिए तथा मेरे द्वारा हुई किसी भी प्रकार की भूल को क्षमा कीजिए और मुझे उत्तम संतान, वंश वृद्धि, सुख शांति, संपत्ति समृद्धि, सद्बुद्धि संपन्नता तथा सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके बाद उस थाली को आप ब्राह्मण को दे दीजिए, यानी जो आपने ब्राह्मण घर बुलाया है खाना खाने के लिए या भोजन करवाने के लिए, जो जिस ब्राह्मण को आपने बुलाया है वो थाली आप उस ब्राह्मण को दीजिए ताकि वो उसका खाना खा सके। आप एक और काम कर सकते हैं कि आप उपला लीजिए, उपला जानते हैं आप, गोबर का बनता है, जो गाय का गोबर, उसके एक उपला बनाया जाता है जिसको कंडे भी बोलते हैं कुछ लोग, तो उस उपले को आप जलाइए और उपले जलाकर आप उस पर होम करिए। होम का मतलब होता है जो आपने खाना बनाया है, जो भी कुछ खाना बनाया है उसका कुछ कुछ हिस्सा लेकर आप उस जो उपला है उसके ऊपर चढ़ा दीजिए और साथ में जल लेकर उसके आजू बाजू घुमा दीजिए, मतलब पानी पिला दीजिए कुल मिला के। तो इस प्रकार आप अग्नि के द्वारा भी, अग्नि के थ्रू भी आप ये अपना जो भोजन है वो अपने पितरों के तक पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार अगर आप इस विधि से, जो कि एक शास्त्रोक्त विधि है, इस प्रकार से आप अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं तो उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये विधि समझ में आई होगी, लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार की इस विधि में प्रॉब्लम है या आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकूँ।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।